कहना चाहिए था गुरु को मेरा लंबन ले लो, नहीं कहेंगे वो, क्योंकि गुरुओं में जो गुरु होते हैं परम गुरु वे प्रभु हुआ करते हैं, क्योंकि प्रभु का आलंबन लेकर के ही गुरु बनते हैं। किंतु ये ध्यान रखो, पहले लघु बनने का पुरुषार्थ करो। हर व्यक्ति गुरु बनने का भाव रखता है, किंतु ये ध्यान रखो पहले लघु बनो। लघुतम बनने का पुरुषार्थ करना है हमें, उसके बिना प्रभु बनने के लिए और कोई उपाय नहीं है। अनंत शक्ति के धारक वे प्रभु तीर्थंकर हुआ करते हैं, मोक्ष मार्ग के नेता होते हैं, और हम भी नेता बनना चाहते हैं। हम शासन चलाना चाहते हैं, किंतु आचार्य कहते हैं पहले आत्मान शासन की बात करो। विश्व को शासित करने के लिए हर व्यक्ति खड़ा हो जाता है, मैं विश्व को अपने अंडर में रख लूं, पूरे विश्व को मैं हैंडल करूं, किंतु आचार्य कहते हैं किसी दूसरे की हैंडओवर करो तो मुक्त हो जाओ। ये हैंडल करने का जो भाव है, ये गुरु बनने का भाव माना जाता है, ये ठीक नहीं है। इसलिए आत्मानुशासन की आवश्यकता, जिसकी आत्मा शासित नहीं है, अनुशासित नहीं है, स्वच्छंद प्रवृत्ति करने वाली आत्मा कभी भी वह शास्ता नहीं बन सकती। विश्व की शास्ता शासक बनने के लिए वस्तुतः अपने आत्म तत्व की पहचान करने की आवश्यकता होती है। अपने आत्म तत्व की पहचान, अपने आत्म तत्व का स्वरूप का बोध जिसे ज्ञात नहीं है, वह कदम कदम पर उसके अंदर दूसरे को अपने अंडर में रखने का भाव, दूसरे को संचालित करने का भाव, आधिपत्य का भाव, अधिकार का भाव सामने आता है। इसी को हमें समाप्त करना है। इसलिए आदहिदम कादवम कहा, आत्मा का हित करो, पर का हित अपने आप हो जाएगा। पर के हित करने के लिए हम कदम बढ़ाते हैं, आचार्य कहते हैं कोई आवश्यकता नहीं। पर का हित जो होता है, मौन रह करके जो साधना करने वाला साधक है, उसके माध्यम से पूरे संसार का हित हो सकता है। उपदेश की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। दो चार दिन पहले भी हमने बात रखी थी आपके सामने कि प्रभु भगवान दीक्षित होते हैं, भगवान नहीं दीक्षित होते हैं। व्यवहार में कहने में आता है भगवान की दीक्षा होती है, भगवान का दीक्षा कल्याणक नहीं होता है, किंतु कुमार का कल्याण होना है। वृषभ कुमार, अभी वृषभ सागर नहीं बना, नाथ तो बाद में बनेगा, है अभी होनहार है। तो वो वृषभ कुमार जिन्हें जब वैराग्य हो जाता है, तो वन की ओर उनके कदम बढ़ते हैं, और माता पिता रुदन करते रहते हैं, बार बार समझाने का पुरुषार्थ करते हैं, बाद में साधना कर लेना, अभी तो वैभव जो आपके लिए मिला है, उस वैभव को आप निश्चिंत होकर के उसका उपभोग करें। इस प्रकार बार बार भगवान के माता पिता की भी इच्छा होती है। कौन चाहता है अपना पुत्र संत बन जाए, है? कोई चाहता है संत बनना? अच्छा नहीं है क्या? ना अच्छा तो महाराज, लेकिन सब आपके लिए, मेरे लिए थोड़ी। आप तो बन गए, आप संत बनो महंत बनो, किंतु वहां तक पहुंचने की क्षमता कैपेसिटी हमारे अंदर कहाँ है? इसलिए भगवान के माता पिता भी वो रुदन मचा रहे हैं। इसके उपरांत भी वैराग्य एक बार उत्पन्न होता है, वह उसकी गाड़ी रिवर्स नहीं हो सकती और आगे बढ़ते चले जाते। सोचो विचार करो, उनके अंदर
विश्व कल्याण करने का भाव नहीं है, ऐसा नहीं, किंतु विश्व का कल्याण करने वाला जो व्यक्ति है वह स्वयं का कल्याण पहले कर ले। गुरुदेव ने एक बार कहा था, हालांकि व्यवहार का वो निषेध नहीं करते हैं, किंतु श्रमण जीवन भर व्यवहार में न उलझे, उसको निश्चय तक पहुंचाना है। इसलिए उनका ये कहना था कि किसी ने मुनि महाराज के दर्शन किए और उन्होंने धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया, तो उस समय गुरुदेव का ये कहना था, तुम्हारा कल्याण हो गया क्या? तुम्हारा स्वयं का कल्याण हो गया? दूसरे के कल्याण के लिए तुम आशीर्वाद का हाथ उठाते हो? निषेध नहीं करते हूं, किंतु इसमें ज्यादा रुचि नहीं लेना चाहिए। रुचि का अर्थ दूसरे को आकर्षित करके दिन भर हम आशीर्वाद का ही हाथ सामने रखें, तो वह कभी भी, सामने वाला जो व्यक्ति है वह कभी भी धर्म से आकर्षित नहीं हो सकता। वस्तुतः हाथ उठाने से, आशीर्वाद का हाथ उठाने से ही कल्याण होता है, यह अनिवार्य नहीं है। श्रवण साधना में लीन है, सामायिक अथवा ध्यान में लीन है, उस समय श्रावक आया है चरणों में नतमस्तक हो रहा है, तो अपना ध्यान छोड़ करके आशीर्वाद दे दे, क्योंकि आशीर्वाद से तो कल्याण होता है महाराज, ये ध्यान रखो। ये जब बाहर आते हैं ध्यान से, उस समय यह प्रसंग आता है, किंतु विश्व को भूल करके जो अपने आत्मा में लीन होता है, अपने परमात्म तत्व को प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर के वह विश्व को भूलना चाहता है, तो विश्व को भूलने वाला व्यक्ति ही अपना आत्मा का भी कल्याण कर सकता है और विश्व का भी कल्याण कर सकता है। इसलिए वृषभ कुमार को वैराग्य हो गया और वह दीक्षित हो जाते हैं, किंतु दीक्षित होने के उपरांत वह मंच पर बैठ करके माइक के सामने अच्छे आराम से एक घंटा निवेदन करने के लिए प्रतिदिन आते हैं, तो उनको आकर्षित करना चाहिए? नहीं। तो महाराज वो दुकान नहीं चलाना चाहते हैं क्या? वो दुकान चलाना नहीं चाहते हैं क्या? दुकान तो चलाना चाहते हैं, लेकिन फुटकर नहीं, ये ध्यान रखो। वो होलसेल व्यापारी है, इसलिए उन्होंने सोचा दो चार व्यक्तियों के कल्याण करने के लिए बाहर बार बार आने की अपेक्षा हम भीतर ही रहे, और केवल ज्ञान जब उत्पन्न होगा और समोषण की रचना होगी और असंख्यात जीवों का कल्याण एक साथ हो जाएगा। आप कल्याण की बात करते हैं, विश्व कल्याण की बात करते हैं, तो गुरुदेव का ये कहना है, पहला लघु बनना सीखो। गुरु अपने आप बन जाता है, गुरु बनाया नहीं जाता है, गुरु बनता है। योग्यता उसके अंदर गुरु के प्रति समर्पण भाव के माध्यम से ही उसमें गुरुत्व आ जाता है, और उस योग्यता को दे करके ही गुरु पद देते हैं। गुरुदेव ने कहा था, दीक्षा ली जाती है और पद दे जाते हैं योग्यता अनुसार। दीक्षा दी नहीं जाती, दीक्षा तो ली जाती है, किंतु समय पर उसकी योग्यता जब सामने आती है तो पद लिए नहीं जाते, पद दिए जाते हैं। हाँ, पद लेने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति कभी गुरुत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। ये पद क्या है? अरे मोक्ष पद प्राप्तये फलम निरूपामिति स्वाहा आप लोग कर रहे हो, तो मैं कौन सा पद चाहूं मुझे बताओ? मुझे मोक्ष पद चाहिए, और वो मोक्ष पद धीरे धीरे मिलता है, मोक्ष पद जो मिलता है वह धीरे धीरे मिलता है, आकुलता के कारण वह पद नहीं मिल सकता है। इसलिए पहले लघुत्व बनो,
लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। क्या कहा? लघुता से तो प्रभुता मिले किंतु प्रभुता से प्रभु दूर होते चले जाएंगे। ये ध्यान रखो, मैं बड़ा बनूं इस प्रकार का भाव हमेशा प्रभु से उसको दूर रखता है। इसलिए प्रभु के सन्निकट पहुंचने के लिए लघु बनने की आवश्यकता है। लघुतम बनिए आप। हमें याद नहीं है, जब याद आ जाए हम बता देंगे। अभी तो हम इतना कहना चाहते हैं कि लघु बनना सीखो और उस प्रसंग को आपके सामने हम रखना चाहते हैं उदाहरण के रूप में। छोटा सा प्रसंग कि बहुत सारे आपने फूल देखे होंगे बगीचे में, विभिन्न प्रकार के फूल खिले हैं और अनेक प्रकार के रंग के रंग बिरंगे हैं और सुगंधी महक रही है, चारों ओर वातावरण सुगंधित हुआ है, किंतु आपने एक फूल को देखा, कौन सा? उसमें सुगंधी नहीं है, उसका कोई विशेष रंग नहीं, किंतु वह कौन सा फूल है महाराज? आप लोग बोलते हैं अकौआ का फूल, जिसको आचार्यों ने अर्कतूल कहा है। अकौआ का जो फूल होता है वो फूल, वह उसमें कोई सुगंधी नहीं और इस उसमें इतने सूक्ष्म सफेद सफेद बाल हैं, रोम हैं और वह आसमान में उड़ रहा है। देखा आपने कभी? देखने का प्रयास करो। और उसको देख करके छोटे छोटे बच्चे, उसके लिए वह मनोरंजन का केंद्र बना हुआ है, मनोरंजन का केंद्र बना हुआ है। वह अधर में आसमान में उड़ रहा है, किंतु उड़ते 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 धीरे धीरे मान लो ऑक्सीजन की कमी के कारण, हवा की कमी के कारण वह धीरे 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 नीचे की ओर आ रहा है। और नीचे की ओर आते ही धरती का टच किया उसने, किंतु धरती सूखी नहीं थी, किंतु वहां पर कीचड़ मचा हुआ था और वह कीचड़ में वह आंख का फूल गिर जाता है, अकौवा का फूल। उसके उड़ने का जो स्वभाव था वह समाप्त हो गया। क्यों? क्यों हुआ? वह कर्दम में गिर गया तो उड़ने का स्वभाव समाप्त हुआ। इसी को बोलते हैं अटैच। किसी से अटैच होना चाहते हो तो तुम उड़ नहीं सकोगे, ध्यान रखो। अपने आत्म तत्व के प्रति कोई रुझान नहीं है, आत्म स्वरूप को प्राप्त करने की कोई लगनशीलता नहीं है और पर वस्तु को पकड़ने की बात आती है तो व्यक्ति कभी भी अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकता, उड़ेगा नहीं, उसकी ऊर्ध्व गति नहीं हो सकती, उसका अधः पतन होता है। ऐसा कहा है। वो उड़ रहा था अकौवा का फूल अर्कतूल, क्योंकि वह हल्का था और जो ही पर वस्तु से उसका अटैच हो गया, संबंध हो गया, तो संबंध होते ही वह बंद का कारण माना जाता है। इसलिए दूसरे से दूर रहो, पर पदार्थ से दूर रहो, ये कहा है, है? भगवान से आप टच नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखो। है महाराज के चरण स्पर्श तो कर सकते हैं मंच पे आकर के, किंतु चार अंगुल जो ऊपर उठे हुए भगवान हैं, समोसरण 500 धनुष ऊपर विराजमान है समोसरण में, किंतु उनके निकट तो पहुंच सकते हो, किंतु डोंट टच, टच नहीं कर सकते आप, स्पर्श कर ही नहीं सकते, इतना उनका अतिशय है। स्पर्श, प्रभु का स्पर्श करने का भाव रखो,
पर वस्तु के साथ हाथ मत लगाओ। हाँ, पर वस्तु के प्रति हाथ नहीं लगाना, पर वस्तु को प्राप्त करने के लिए हाथ नहीं दिखाना, ये ध्यान रखो। अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हाथ जोड़ने की आवश्यकता, हाथ दिखाने की आवश्यकता। हाँ, ये सब आगम में लिखा हुआ है, मैं अपने तरफ से कुछ भी इसमें बगार नहीं लगा रहा हूं। हाँ, छोंक लगाया जाता है, है? रसोई बनाते हैं, दाल सब्जी बना लेते हैं, उबाल देते हैं, उसके उपरांत छोंक लगाते हैं, उसको बगार बोलते हैं। वह बगार लगाने से वह बिगड़ जाता है वो। इसलिए हम बगार नहीं लगाते हैं, जो आगम में यथार्थ तत्व का जो विश्लेषण किया है उसको आपके सामने निर्भीकता के साथ उसका उस विषय को रखा जा रहा है। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई कटाक्ष नहीं है, क्योंकि वस्तु तत्व का स्वरूप है, उसमें कटाक्ष कहाँ है। इसलिए प्रभु बनना चाहो तो सर्वप्रथम लघु बनने का पुरुषार्थ करो। और लघु कौन बनता है? तीन लोक के पति, जगतपति बनना है उद्योगपति जी। हाँ, जगतपति बनना है तो जगतपति बनने के लिए पूरा निछावर किया जाता है, ये ध्यान रखो, तब सर्वतो भद्र बनता है। बार बार सोचो नहीं, सर्वतो भद्र, चारों ओर से भद्रता, उसके दर्शन करते ही भद्रता आ जाती है जीवन में। इसलिए सर्वतो भद्र के लिए गुरुदेव ने मंगलमय आशीर्वाद दिया है, और आप लोगों के कंधों पर वह दायित्व दिया है, भार दिया है, उस भार को लेकर के चलना है। महाराज बहुत बड़ा भार है, जल्दी करो ना, फिर भार उतर जाएगा, जल्दी करो। बिल्कुल यूनिक बनना चाहिए। अपनी हवेली को बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हो, और जनालय, जिनेन्द्र भगवान का वह आलय अर्थात मंदिर है जिसमें जिनबिंब को स्थापित किया जाएगा, तो उस मंदिर को इतना डेकोरेट करना चाहिए, तीन लोक में उस प्रकार का कोई मिसाल देखने में नहीं आना चाहिए। इसलिए तीन लोक के नाथ बनने के लिए जो लौकिक जो संपदा है, वैभव है, उसको जीर्ण तृण के समान समझ करके वो वृषभ कुमार निकल गए हैं, और आपको निकलने के लिए पाठ दिया है, ये ध्यान रखो। इसी प्रकार सबको निकलना है एक दिन, इंदौर को खाली करना है, इंदौर में रहना नहीं है, है? इंदौर में रहो किंतु जिनालय में रहो, तो जिनालय में रहने से ही निज घर में आता है, उसके बिना संभव नहीं।